आज दर्जनों की संख्या में ऑटो चालक व रिक्शा चालकों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। उनका कहना है कि लगभग 30 साल से बेनियाबाग तिराहे से हम लोग ऑटो चलाते हैं और यहां से हजारों लोग आते जाते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी दर्शनार्थी इसी स्टैंड से आते जाते हैं, मगर स्मार्ट स्टैंड बन जाने के बाद हम ऑटो चालकों को ऑटो स्टैंड के लिए काफी समस्या हो रही है। ऑटो चालकों का कहना है कि आए दिन पुलिस प्रशासन से विवाद होता रहता है। हम लोग विगत 2 माह से काफी परेशान है नगर निगम की मनमानी से। नगर निगम द्वारा जो है कि हमारे बेनियाबाग स्टैंड को बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया है, जिससे हमारे सैकड़ों चालक इस समय दरबदर की स्थिति में आ गए हैं। प्रतिदिन नगर निगम और यातायात विभाग द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। नगर निगम का सचल दस्ता जाता है वो अलग भगा रहा है, यातायात पुलिस सारी हमारी गाड़ियों को उठाकर बंद कर रही है। जो कि बेनियाबाग वो स्थल है जो तरीके से शहर का हृदय स्थल कहा जाता है, जहाँ से प्रतिदिन कंट स्टेशन से 30 से 35 यात्री आ रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ के तमाम लगभग 30 से 40 प्रतिदिन यात्री बेनियाबाग आते हैं। वहीं से उनको काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है, वहीं से उनको गंगा घाट जाना है, वहीं से उनको मार्केट करना है। ये तमाम बातें होते हुए भी यहाँ के नगर आयुक्त द्वारा जो है कि हमारे स्टैंडों को निरस्त कर दिया गया है। हमारी पुनः मांग है कि हमारे स्टैंडों को पुनः जो है कि वहाँ पे हमको आज इन्होंने आश्वासन दिया है अपर साहब द्वारा, नगर आयुक्त को मौके पर नहीं मिले हैं, अपर द्वारा ये दिया गया है कि हम अभी सर्वेयर को भेज रहे हैं और पुनः जो है कि आपके स्टैंडों का जो है कि बनाया जा रहा है। अगर स्टैंड तो नगर निगम के पास है, नगर निगम 35 से 40 लाख रुपए का ठीका ले रहा है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। अगर हमको स्टैंड नहीं मिलता है तो हम क्रमवश हिंसात्मक तरीके से नगर निगम के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के मूड में है। देखिए, नगर आयुक्त सोशल भी हुआ कि भाई हम लोग पुलिस लाइन भी गए थे, पुलिस लाइन में अधिकारी चाहे लोग सब लोग थे, कमिश्नर यातायात CO था, कमिश्नर थे, RTO वाले भी थे। इन लोग मिलने के बाद भी ये लोग हम लोग को 1 हफ्ते के समय दिए थे कि हमें आपको स्टैंड का वायरिंग करके मैं आपको बताता हूँ। मैंने बेनियाबाग भी कहा कि मैं बेनियाबाग में 30 साल से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। पर बदवान में भी स्टैंड था, अभी स्टैंड क्यों? मैदागी में पार्किंग खुला हुआ और 2-2 स्टैंड दिया गया और यहाँ बेनियाबाग एक पार्किंग खुला था, कोई स्टैंड नहीं, जो शहर के बीचों बीच की है। यात्री कैंट से भी आते हैं और चारों बगल से यात्री आते हैं, यानी 4-व्हीलर को आने की आवश्यकता है और ऑटो को नहीं है जो सवारी होती है, क्योंकि हम गरीब हैं, शोषण किया जा रहा है गरीबों का। मेरे मुख्यमंत्री जी गरीबों का साथ दे रहे हैं और इन लोग शोषण कर रहे हैं। आते हैं कि एक आदमी कहीं पानी पीने ऑटो वाले चला जाता है तो डंडा चलाते हैं, दौड़ा के भगाते हैं, क्या है ये? इस तरह इतना हम लोग गए हुए हैं। पद्मी से मिले भी, नीलगढ़ तिवारी जी से भी मिले भी, उन्होंने भी फ़ोन से बात कहा तो इन्होंने कहे अच्छा हम करते हैं सर। मैं अपने क्या नाम है दयालु गुरु मंत्री जी से मिले, वो भी उसे क्या यातायात से बात किए तो कहें ठीक हम उनका करा दे रहे हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं, अब क्यों नहीं डर है? ये शोषण कर रहे हैं गरीबों का, मुख्यमंत्री का एकदम डर नहीं है, मुख्यमंत्री कोई बात नहीं मानते हैं ये लोग, जो हमारे मुख्यमंत्री गरीबों के साथ दे रहे हैं और ये लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं अधिकारी लोग। बताइए ये क्या एक नियम? देखिए मुख्यमंत्री गरीबों के अच्छे काम कर रहे हैं और ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं ये लोग। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।